सीधे चला और बाएं मुड़ के अपनी जगह पे बैठ जाएगा। जोरदार ताली से स्वागत करें बिहार के छवि पांडे जी के। गीत कितना असर छोड़ले बटे एकरा खातिर हम सीधे चल रहल बनी कल्पना जी के पास। बहुत अच्छा लगा मुझे, सेम मैं बोलूंगी, स्वीट वॉइस, लेकिन मुझे आपसे और उम्मीद मुझे ऐसा लगा कि परफॉर्मेंस में और अच्छा होना चाहिए था। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी बोलिए। एक्चुअली ये सॉन्ग मैंने दूसरा सॉन्ग प्रिपेयर किया था इसके लिए, पर मेरा सॉन्ग कल चेंज हो गया था तो मुझे लिरिक्स नहीं याद था और मैं बहुत कॉन्शियस हो गई थी गाने के लिए। मतलब मुझे धुन तो पूरा याद था पर लिरिक्स हाँ मैंने हाथ पर से लिखा था, तो मैं जब गा रही थी तो मेरा आधा ध्यान तो इस पे था तो मैं अपना फुल दे नहीं पाई। तो आपने मना क्यों नहीं किया? नहीं नहीं आप रोइए मत, सुनिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये भी नहीं है कि बहुत बुरा हुआ है, सुनिए आप निराश मत होइए। मेरे बोलने का मतलब ये है कि जिस पे फुल कॉन्फिडेंस नहीं हो आगे के लिए आप मत सुनिए, किसी का भी मत सुनिए। मेरा और एक लड़की का गाना सेम हो गया था इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। समझ गई, ये सब होता है, कोई बात नहीं। अच्छा था, ऐसा नहीं कि बुरा था, अच्छा था, लेकिन आप इतना अच्छा कर चुकी हो पहले, इससे हम लोगों की एक्सपेक्टेशन और भी आपसे ज़्यादा है। डोंट वरी, अच्छा ही होगा। लेकिन मैं कल्पना से सहमत हूँ और जो आपने बात कही वो भी मैं मानती हूँ, क्योंकि हम लोग के संग भी होता है कि कभी गाना कॉमन हो गया, ये धर्म संकट भी आता है। थोड़ा सा शेकी ग्राउंड्स थे, बाकी होली का मन है, मूड है, तो आज गाना बढ़िया रहा, बढ़िया था।